सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी से मुलाकात की है। यूपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में जजों ने राज्य में सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी ली है। अधिकारियों से सुझाव भी मांगे हैं, जानना चाहा है कि उन्हें कोर्ट से किस तरह के सहयोग की उम्मीद है। अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई हैं। 78 रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ट्रेनों की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्टेशन पर पूरी लाइट जलाने के आदेश दिए जाने के साथ ही 100% रोशनी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या मामले पर जल्द ही फैसला आने वाला है। वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने के लिए कहा है। इसी कड़ी में यूपी के बहराइच में डीआईजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और कमिश्नर महेंद्र कुमार ने एसपी और डीएम के साथ नगर भ्रमण कर फ्लैग मार्च किया है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। मौजूदा सियासी हालात पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की पार्टी नेताओं के साथ बैठक चल रही है। सेना भवन में हो रही इस बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन पर भी फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर बीजेपी से मामला नहीं सुलझता है तो शिवसेना गठबंधन तोड़ देगी। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर लड़ाई और चढ़ाई तेज हो गई है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन की कोशिश में है। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि सभी शिवसेना विधायक अभी होटल में जमे हुए हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता नितिन राउत ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। नितिन राउत के अनुसार कांग्रेस के कुछ विधायकों से बीजेपी नेताओं ने संपर्क किया है और पैसे का प्रस्ताव उन्हें दिया गया है। महाराष्ट्र में नई सरकार को 9 नवम्बर तक बन जाना है। हालांकि अभी तक किसी भी गठबंधन ने दावा पेश नहीं किया है। एक या तो दो विधायक को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर भी किए गए हैं। हम कर्नाटक में जो पैटर्न शुरू हुआ था उस हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने की पूरी कोशिश में है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा शिवसेना के बीच जारी रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र को बीजेपी राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल रही है। मोदी और शाह जी की जोड़ी के जरिए दिल्ली से महाराष्ट्र की सत्ता की बागडोर जो है वो चलाना चाहती है। ये महाराष्ट्र का अपमान है, जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली के तख्त के आगे महाराष्ट्र नहीं झुकता है, ये इतिहास है। जय हिंद। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए बना करतारपुर कॉरिडोर कल खुल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उधर पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री इमरान खान कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पिछले साल भारत में 26 नवंबर को और पाकिस्तान में 28 नवंबर को इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया था। आजादी मिलने के बाद करीब 7 दशक के बाद सिखों की इच्छा पूरी हुई है और पाकिस्तान ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को भारत के साथ जोड़ने के लिए सहमति जताई। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान सरकार की ओर से करतारपुर साहिब के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें न्योता भेजा गया था, जिसे श्री श्री रविशंकर ने ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि कल यानी कि शनिवार को पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन समारोह आयोजित होना है, जिसमें शामिल होने के लिए कई भारतीय गणमान्य नागरिकों को पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे चर्चित गेस्ट हाउस कांड में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर अपना रुख नरम कर लिया है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह पर से मुकदमा वापस लेने के लिए शपथ पत्र देकर यूपी की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ा दी है। हालांकि मायावती गेस्ट हाउस कांड में सिर्फ मुलायम पर ही मुलायम हो रही है। मामले से जुड़े बाकी लोगों पर केस चलता रहेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही महागठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। महागठबंधन के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि बिहार और झारखंड विधानसभा का चुनाव पार्टी अपने दम पर अकेले ही लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने यह बड़ा फैसला किया है। जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि उनके बार बार कहने के बाद भी महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हो पाया। इस वजह से गठबंधन के सहयोगियों में तालमेल का अभाव है। ऐसी स्थिति में अकेले चुनाव लड़ना ही बेहतर होगा। विशेष सत्र के लिए सीएम योगी ने राज्यपाल को न्योता दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। 26 नवंबर को विधानमंडल का संयुक्त सत्र जो है वो आयोजित किया गया है। योगी ने राज्यपाल को इस बात की जानकारी दी है और उन्हें संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अयोध्या की तैयारियों को लेकर जानकारी भी दी है। नोटबंदी की घोषणा को आज 3 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 3 साल पहले रात तकरीबन 8 बजे इसका ऐलान किया था, जिसके बाद उसी रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट का चलन जो है वो नहीं रहा। सरकार की इस घोषणा के चंद घंटों बाद ही बाजार में जो नकदी थी उनमें से करीब 86% अवैध हो गई। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान इसकी घोषणा करते हुए इसे आतंकी फंडिंग, भ्रष्टाचार और कालेधन की रोकथाम के लिए जरूरी बताया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर नोटबंदी के 3 साल पूरे होने को लेकर कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने नोटबंदी को आतंकी हमला बताया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि केफ नोटबंदी के टेरर अटैक का 3रा साल है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। कई लोगों की जान गई, लाखों छोटे कारोबार बंद हुए और लाखों भारतीय बेरोजगार हुए। इस अटैक के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें अभी सजा मिलना बाकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नोटबंदी एक आपदा साबित हुई है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। प्रियंका ने 8 नवंबर को नोटबंदी के 3 साल पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, नोटबंदी को 3 साल हो गए हैं, सरकार और इसके नीम हकीमों द्वारा किए गए नोटबंदी सारी बीमारियों का शर्तिया इलाज के सारे दावे एक एक करके धराशायी हो गए हैं। नोटबंदी एक आपदा साबित हुई है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि 2016 में आज के दिन सरकार की तरफ से उठाया गया नोटबंदी का कदम पूरी तरह से निरर्थक था और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें शुरू से ही पता था कि इस फैसले से लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ममता ने ट्वीट किया, आज है नोटबंदी आपदा को 3 साल पूरे हो गए हैं। घोषणा के कुछ ही मिनटों बाद मैंने कहा था कि ये अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देगा। मेरी उस बात से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, आम लोग और सभी विशेषज्ञ अब सहमत हो गए हैं। आरबीआई के आंकड़ों से भी पता चलता है कि ये एक निरर्थक फैसला था। लाल कृष्ण आडवाणी आज 92 वर्ष के हो गए हैं। आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा उनके घर पर पहुंचे, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विद्वान, राजनेता और सम्मानित नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी की भारत को सशक्त बनाने की दिशा में अहम योगदान रहा है। उनके जन्मदिन पर मैं उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शनिवार को वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एक महिला पुलिस अधिकारी को कुछ पुलिसकर्मी वकीलों से बचाते नजर आ रहे हैं। महिला पुलिस अधिकारी डीसीपी नॉर्थ मोनिका भारद्वाज के तौर पर है। डीसीपी ने आरोप भी लगाया है कि हिंसा के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, महिला अधिकारी ने यह भी कहा कि इस बीच उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी छीन ली गई और ये तब से लापता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने मरीज के इलाज में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने सुनवाई करते हुए सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लाखों का जुर्माना ठोका है। लापरवाही बरतने के आरोप में सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर 30 लाख का जुर्माना ठोका गया है। वहीं तय समय में अदा न करने पर 9% ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दे दिए गए।
यूपी के बिजनौर में छात्र को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र को बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें छात्र जो है वो आरोपी मौके से फरार हो गए, घायल हुआ है जो छात्र, उसको पुलिस ने मुरादाबाद कॉस्मोस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई। गोरखपुर के सरकारी स्कूल में बड़ी खामियां मिलने का मामला जो है वो सामने आया है। मामला नरहरपुर के प्राथमिक विद्यालय प्रथम का है, जहां पर बच्चे जमीन पर बैठकर मिड डे मील खाने के लिए मजबूर हैं। वहीं जब इस बारे में प्रिंसिपल से बात की गई तो उनका कहना था कि विद्यालय में टाट या कंबल की व्यवस्था नहीं है और जगह की कमी भी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला मौलानी थाना क्षेत्र के मेन बाजार का बताया जा रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाता पुलिस वालों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस वाले हिरासत में लिए गए एक आरोपी की जमकर पिटाई कर रहे हैं। खंभे से बंधे युवक पर पुलिस धनाधन डंडे चला रही है। युवक तड़प रहा है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन खाकी का रौब बरकरार है। पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो बिहार के छपरा के तरैया थाना का बताया जा रहा है। हरदोई में लखनऊ मेले के एसी कोच में अचानक आग लग गई। आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यात्रियों ने बोगी से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद रेलवे के टेक्निकल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोका और इसे काबू किया। ट्रेन करीब सवा घंटे खड़ी रही, उसके बाद आगे के लिए रवाना हुई। $5 ट्रिलियन का सपना देख रही मोदी सरकार को झटका लगा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की रेटिंग जो है वो घटाई है। मूडीज ने भारत के बारे में अपने नजरिए को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। मूडीज का कहना है कि पहले के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था में जोखिम जो है वो बढ़ गया है, इसलिए रेटिंग घटाई गई है। इसके पहले अक्टूबर में ही मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2019-2020 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.2% से घटाकर 5.8% कर दिया था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन में शेयर बाजार की कमजोर के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स में आज 88.43 अंकों की गिरावट जो है वो देखने को मिली। वहीं निफ्टी भी 34.50 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी। आज के शुरुआती कारोबार में यूपीएल और भारती इंफ्राटेल टॉप लूजर्स शेयर में शामिल रही। वहीं जी एंटरटेनमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। करीब एक महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे जबकि कोलकाता में 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं डीजल की कीमत दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 9 पैसे जबकि मुंबई में 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ग्राहकों को राहत देते हुए 10 नवंबर से MCLR की दरें जो है 0.05% तक घटा दी है। इसका असर होम, ऑटो और पर्सनल लोन पर पड़ेगा। इससे पहले भी 10 अक्टूबर 2019 को बैंक ने MCLR की दरें जो है वो घटाई थी। वोडाफोन ने अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर सेगमेंट के लिए नया प्लान जो है वो लॉन्च किया है। प्लान का नाम वोडाफोन रेडेक्स है। इसकी कीमत जो है ₹999 रखी गई है। ये एक लिमिटेड एडिशन पोस्ट पेड प्लान है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा के साथ आकर्षक एंटरटेनमेंट के ऑफर भी मिलेंगे। हीरो मोटो ने देश की पहली BS6 इंजन वाली बाइक स्प्लेंडर आई स्मार्ट लॉन्च कर दी है। हीरो ने अपनी पॉपुलर स्प्लेंडर बाइक को नए इंजन के साथ उतारा है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 44%
कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी। नई बाइक स्प्लेंडर को 110 सीसी फ्यूल इंजेक्शन तकनीक वाली इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। फेमस इंटरनेट ब्राउजर मोज़िला फायरफॉक्स एक खतरनाक बग का शिकार हुआ है। ये बग मोज़िला फायरफॉक्स यूज करने वाले विंडोज या मैक पीसी की स्क्रीन को फ्रीज कर दे रहा है। एआरएस टेक्निका की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बग वेबसाइट के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचकर स्क्रीन को फ्रीज कर रहा है। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दो दिन बाद सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शन नया रूप लेगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इमरान खान के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में धांधली की। साथ ही 48 घंटे के अंदर इस्तीफा सौंपने की बात भी कही जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के साथ इलाज के लिए लंदन जा सकते हैं। शरीफ को कई बीमारियों के इलाज के लिए पाकिस्तानी अस्पताल में अपने दो हफ्ते के प्रवास के बाद अब लाहौर में अपने व्यक्तिगत उमरा रायविंड निवास में स्थानांतरित कर दिया गया है। 69 वर्षीय शरीफ को 22 अक्टूबर को लाहौर के आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जब उनके प्लेटलेट्स गिरकर 2000 तक पहुंच गए थे। उन्हें मेडिकल आधार पर ही पाकिस्तान की कोर्ट से जमानत मिली थी। इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी की पत्नी ने पिछले साल पकड़े जाने के बाद जिहादी समूह के आंतरिक कामकाज के बारे में काफी जानकारी दी है। ये जानकारी तुर्की के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने कहा कि बगदादी की पत्नी ने अपनी पहचान रानिया महमूद के तौर पर बताई थी, लेकिन असल में उसका नाम आसमा फावजी मोहम्मद अल कुबियासी बताया है। बताया जा रहा है कि आसमा बगदादी की पहली पत्नी है, जिसे 2 जून 2018 को सीरियाई सीमा के पास हताए प्रांत में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उंगली दिखाकर चर्चा में आने वाली महिला जूली ने वर्जीनिया लोकल ऑफिस चुनाव में जीत हासिल कर ली है। 2017 में जूली ब्रिस्कमैन ने ट्रंप के गुजरते काफिले को उंगली दिखाई थी। उनकी ये फोटो वायरल हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार जूली ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को हराया। जीत के बाद उन्होंने कहा कि कैंपेन के दौरान सिर्फ शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, ट्रांसपोर्टेशन और पर्यावरण के मुद्दे पर लोगों से बात की और कभी भी उन्होंने 2017 की घटना का जिक्र नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक अदालत ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने चैरिटी फाउंडेशन का पैसा जो है 2016 में संसदीय चुनाव प्रचार में खर्च किया था। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने चैरिटी संस्थाओं का पैसा चुनाव प्रचार में गलत तरीके से खर्च किया था। इसके लिए उन पर 2 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2024 तक चंद्रमा पर फिर मानव मिशन भेजने की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए नासा के वैज्ञानिक चांद से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में है। साथ ही इससे पहले वहां से इकट्ठा किए गए नमूनों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। इस क्रम में अब चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के उन नमूनों का अध्ययन किया जाएगा जो अपोलो 11 कार्यक्रम के आखिरी अभियान में जुटाए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का मानना है कि नाटो मृत प्राय है। मैक्रों ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के बीच समन्वय की कमी और एक प्रमुख सदस्य राष्ट्र तुर्की की सीरिया में एक पक्षीय कार्रवाई को रेखांकित करते हुए ये बात कही है। मैक्रों ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम अभी जो अनुभव कर रहे हैं वो ये कि नाटो मृत प्राय है। जापान के पश्चिमी टोटोरी इलाके में बर्फ में पाया जाने वाला स्नो क्रैब 32,66,000 रुपए में बिका है। इसे दुनिया का सबसे महंगा केकड़ा माना जा रहा है। स्थानीय अधिकारी शोता इनामो के मुताबिक 1 किलो 200 ग्राम वजन के और 4.6 सेंटीमीटर लंबे केकड़े की इतनी बड़ी कीमत सुनकर
हैरत में है। जापान के लोग हर साल सर्दी में होने वाली सी फूड की पहली बोली का इंतजार करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 में ऋषभ पंत फीके साबित हुए हैं। विकेट के पीछे उन्होंने कई गलतियां की, उनकी इन गलतियों की वजह से बल्लेबाज को आउट करने से वो चूक गए। पंत ने एक स्टंपिंग की लेकिन उन्होंने गेंद को विकेट के आगे पकड़ा था, जिसकी वजह से उनकी स्टंपिंग के बावजूद बल्लेबाज आउट नहीं दिया गया। वहीं पंत की इन गलतियों के बाद उनकी काफी आलोचना भी हो रही है और लोग उनके पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से पाठ लेने की सलाह भी दे रहे हैं। कार्यवाहक कैप्टन रोहित शर्मा की दमदार पारी के दम पर भारत ने बांग्लादेश को राजकोट में दूसरे T20 मैच में 8 विकेट से करारी शिकस्त दी है। रोहित ने इस मैच में 43 गेंदों पर 85 रन बनाए। उनके इस पारी में 6 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। मैच के बाद वो चहल टीवी पर हाजिर हुए। रोहित ने बड़े बड़े छक्के मारने का राज सभी को बताया। स्टीव स्मिथ ने मंगलवार को एक और बेहतरीन पारी खेल अपने आप को साबित किया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले में 51 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली है, जिसके बाद पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने स्मिथ को लेकर बड़ा बयान दिया। अख्तर ने कहा कि वो अपने जमाने में स्मिथ को रोक सकते थे। अख्तर ने आगे कहा कि अगर स्मिथ उनके जमाने में होते तो अख्तर स्मिथ के उनके मुंह पर 3-4 गेंद मारते, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को चोट पहुंचाना नामुमकिन है, वो काफी बेहतरीन खेलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर आर अश्विन आईपीएल के आने वाले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे। अश्विन के बदले में दिल्ली कैपिटल्स अब किंग्स इलेवन पंजाब को 1 करोड़ रुपया देगी। 14 नवंबर को आईपीएल ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाएगा और अगले महीने 19 तारीख को आईपीएल 2020 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी। 1 करोड़ रुपए के अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को अपना ऑलराउंडर जगदीश सूची जो है वो दे दिया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के चौथे मुकाबले में कीवी टीम के खिलाफ इंग्लैंड टीम ने के कैप्टन इयोन ने तूफानी 50 ठोककर एक इतिहास रचा है। इयोन ने इंग्लैंड टीम की ओर से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भूटान पर क्रिकेट से मिले हैं। ब्रेक का जमकर उन्होंने लुत्फ भी उठा रहे हैं। विराट के 31वें जन्मदिन मनाने से एक दिन पहले ये कपल यहां समय गुजार रहे हैं। वो लगातार अपनी भूटान यात्रा की फोटो जो है सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आ रहे हैं। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म बाला आज सिनेमा घरों में रिलीज की जा चुकी है। कल यानी 7 नवंबर को इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग प्रदर्शित की गई थी। कल भी फिल्म को जबरदस्त रिव्यूज मिले थे। कई सारे सितारों ने फिल्म बाला देखी और इसे हिट फिल्म बताया। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, जानवी कपूर और वरुण धवन भी फिल्म बाला की स्क्रीनिंग के लिए मौजूद रहे। फिल्म को सभी सितारों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने 14वें दिन भी अपना कमाल जारी रखा है। हाउसफुल 4 सिनेमाघरों में दमदार प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रहा है, साथ ही इसे साल की बड़ी फिल्मों में शामिल कर लिया गया है। सैफ अली खान अपनी फिल्म से बहुत कनेक्टेड हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अपने पापा मंसूर अली खान को खोने के बाद के समय के बारे में बात की। सैफ ने बताया कि पापा के निधन के बाद पटौदी पैलेस किराए पर चला गया था, लेकिन बाद में मैंने जो भी अपनी फिल्मों से कमाया था उस पैसे से पटौदी पैलेस वापस ले लिया। बिग बॉस 13 से पिछले हफ्ते बाहर हुई रश्मि देसाई और देवोलीन भट्टाचार्जी अपकमिंग एपिसोड में कम बैक करने वाली हैं। दोनों एक्ट्रेस घर वालों को बड़ा सरप्राइज देने वाली हैं। बिग बॉस हाउस से बाहर जाने के बाद रश्मि और देवोलीना
सीक्रेट रूम में रही थी। अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि रश्मि और देवोलीना शो में कम बैक कर चुकी है। भूमि पेडनेकर फिल्म बाला की रिलीज के लिए तैयार है। इसके साथ ही भूमि की अगली फिल्म पति पत्नी और वो की तैयारी भी वो कर रही है। ये फिल्म दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली है। हाल में पति पत्नी और वो का ट्रेलर आने के बाद लोग इससे नाराज नजर आए। फिल्म का कुछ डायलॉग लोगों को रास नहीं आ रहा है। वहीं भूमि ने कहा है कि अगर उन्होंने लोगों की भावनाओं को किसी भी तरह से आहत किया है तो वो सभी से माफी मांगती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।